नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के एक प्लान के बारे में, जिसके तहत उन्हें तेजस का मार्क टू वर्शन यानी कि मीडियम वेट फाइटर जेट मिलेगा और अभी इसके ऊपर क्या अपडेट है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब DRDO के करंट चेयरमैन से पूछा गया कि मीडियम वेट फाइटर तेजस का क्या स्टेटस है, तो उन्होंने बताया है कि इसका डिजाइन वर्क पूरा हो चुका है और इसके प्रोडक्शन के ऊपर इसी साल के अंत तक काम शुरू हो जाएगा और 2022 तक इसकी पहली फ्लाइट जो है वो शुरू हो जाएगी। और उन्होंने ये भी बताया कि हमने मीडियम वेट फाइटर में ज्यादा से ज्यादा इंडिजिनस कंटेंट लगाने की कोशिश की है, क्योंकि जो ये हमारा तेजस मीडियम वेट फाइटर होगा, इसके अंदर हमारा खुद का AESA रडार लगा होगा, जिसे हमने उत्तम नाम दिया है और इसके फ्लाइट ट्रायल भी चल रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकल वारफेयर सूट भी इंडिया का बना होगा और ऑन बोर्ड जनरेटिंग ऑक्सीजन सिस्टम भी इंडिया का होगा। इसके अलावा इसका कंप्लीट एवियोनिक्स और नेक्स्ट जनरेशन लाइन रिप्लेसिंग यूनिट, और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी इंडिजिनस होगा और इसके अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम लगा होगा वो भी इंडिया में बना होगा। और दोस्तों, जब इसके इंजन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन लगा होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास बहुत से इंजन मेकर्स की तरफ से अच्छे ऑफर भी हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का इस इंजन पे काफी ज्यादा विश्वास है, क्योंकि इसे हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, इसकी क्षमता भी अच्छी है, इसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी भी काफी ज्यादा है। तो जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स नहीं चाहती कि इसे बदला जाए, ताकि कोई अन्य प्रॉब्लम, नए इंजन के साथ में कोई अन्य प्रॉब्लम भी आ सकती है और उसको दोबारा से टेस्ट करना पड़ेगा। और इसके स्पेयर पार्ट्स भी इजीली मिल जाते हैं, तो इसके अंदर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। तो जब तक हमारा खुद का कावेरी इंजन नहीं डेवलप होगा, तब तक हम इसी से काम चलाएंगे, ये उन्होंने बताया। और अगर वेपन सिस्टम की बात करें तो इसके ऊपर मुख्यतः अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगी होगी, इसके अलावा ब्रह्मोस NG और सा बॉम्ब, और इसके अलावा रुद्रा और कई तरह के गाइडेड अनगाइडेड बॉम्ब भी लगे होंगे। और दोस्तों, इसके ऊपर आई डर्बी जो इजरायली मिसाइल है, जो जिसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है, उससे भी इसके ऊपर लगाया जा सकता है। इसके अलावा फ्रांस की माइका मिसाइल और मिटियोर मिसाइल को भी फ्यूचर में लगाने का प्लान हो सकता है। दोस्तों, जब उनसे पूछा गया कि जो हमारा मीडियम वेट फाइटर होगा और नेवल तेजस है, इन दोनों में फर्क क्या है या सिमिलैरिटीज क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये दोनों ही अलग अलग फाइटर जेट है, एक नेवी के लिए, एक इंडियन एयरफोर्स के लिए है, लेकिन इनके अंदर काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी की शेयरिंग भी हुई है, जैसे रडार की बात करें या इंजन की बात करें, और अन्य भी कई चीजें जो हमने इंडिया में डेवलप की हैं वो दोनों के अंदर सेम हो सकती हैं, लेकिन इन दोनों को अलग अलग टीमें अब काम कर रही हैं। जैसे कि हम डिजाइन की बात करें तो दोनों की अलग अलग टीमों ने इनका डिजाइन तैयार किया है और दोनों ही फाइटर जेट जीरो से शुरू होकर और अपने आगे बढ़ने के काम को अंजाम दे रहे हैं। और दोस्तों, जब इसके बारे में इसके रडार के ऊपर बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो उत्तम AESA रडार है उसको LCA तेजस के LSP-2 एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाया गया है और उसकी काफी ज्यादा टेस्टिंग भी चल रही है और इस टेस्ट को होने में कम से कम एक साल भी लग सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में जो तेजस MK-1A आएगा उसके ऊपर जो हम अभी रडार जो दूसरे देशों का खरीद के लगा रहे हैं वही रडार लगाया जाएगा, लेकिन आने वाले बैचों के अंदर हो सकता है कि हम इसको उत्तम AESA रडार से इक्विप करें। और दोस्तों, इसीलिए HAL ने इसराइली एल्टा कंपनी से ELM-2052 AESA रडार को भी खरीदने का फैसला किया है। पहले से भी ये हमारे पास है और इसके और वर्जन भी खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे तेजस की मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ेगी और तेजस MK-1A की जब ये शुरुआत होगी तो उसके ऊपर लगाया जाएगा इन्हें। दोस्तों, अंत में हम ये कह सकते हैं कि जो मीडियम वेट फाइटर आएगा उसके अंदर 60-70% तक जो चीजें लगी होंगी वो इंडिया में बनी हुई लगी होंगी, और अभी जो इसके ऊपर फॉरेन में बना रडार जैसे या कुछ और चीजें जो लगाई जाएंगी उसे भी फ्यूचर में रिप्लेस किया जा सकेगा जैसे जैसे वो इंडिया में डेवलप होती हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही हमारा कावेरी इंजन डेवलप होगा तो उसे इसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया जाएगा, और उसके बाद हम कह सकेंगे कि इसमें 90% के करीब जो कंटेंट लगा है वो इंडिजिनस है, यानी इंडिया में बना है। धन्यवाद। जय हिंद।